कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खाद्य तेल बाजार के बारे में बात करेंगे, जानेंगे खाद्य तेल बाजार में आज सरसों, सोया और पामोलिन की कीमतों के बारे में, देखेंगे विदेशी बाजारों के साथ साथ घरेलू बाजारों में लोकल मिलों में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल में, और साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टैंकर्स की आज की कीमतों के बारे में। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो जो लाइक का बटन है आप उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में। तो कमजोर एक्सपोर्ट्स और नई फसल की कटाई के दबाव से CBOT सोयाबीन में गिरावट दर्ज करी गई। सोयाबीन साप्ताहिक एक्सपोर्ट में गिरावट और नई फसल की उपज बेहतर होने से CBOT सोयाबीन में गिरावट दर्ज करी गई है। अमेरिकी सोयाबीन साप्ताहिक एक्सपोर्ट 23% गिरकर 7.77 लाख प्रति टन पर पहुंच गया है, और चीन की कमजोर मांग और ब्राजील में सोयाबीन उत्पादन बढ़ने के अनुमान से CBOT सोयाबीन लगातार तीसरे सप्ताह कमजोर रहा है। इसके बाद में अगर अर्जेंटीना के बारे में बात करते हैं तो अर्जेंटीना सोया तेल के बेसिस में कल गिरावट से FOB भाव में मामूली कमजोरी बाजारों में कल के दिन दर्ज करी गई। अब आज की कीमतों के बारे में बात कर लेते हैं तो घरेलू बाजार में लोकल मिलों में जबरदस्त तेजी के साथ व्यापार देखा जा रहा है। रिक्वायरमेंट घरेलू बाजार में अच्छी खासी है, जिसको देखते हुए लोकल मिल वालों ने भाव बढ़ाए हैं। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो मयूर वनस्पति में 15 लीटर का रेट 1320 चल रहा है। मयूर पामोलिन की 15 लीटर कीमतें 1390 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं। इसके अलावा मयूर पामोलिन के बारे में बात करते हैं, 1 लीटर का जो रेट है वो 93 रुपए। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। वो 93.50 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। सोया ऑयल के बारे में बात करते हैं, 15 लीटर सोया ऑयल का रेट बाजारों में 1785 रुपए है। सोया ऑयल में कीमतें आप 118.50 रुपए देख कर चल सकते हैं। फॉर्च्यून में 15 लीटर का रेट बाजारों में 1940 चल रहा है, और फॉर्च्यून में 1 लीटर की कीमतें जो है बाजारों में वो इस वक्त 130 रुपए देखी जा रही हैं। और बेस्ट चॉइस सोया रिफाइंड का जो रेट है वो 1 लीटर में 119 है, और बेस्ट चॉइस पामोलिन की कीमतें बाजारों में 96 रुपए देखी जा रही हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में टैंकर की कीमतों के बारे में। आज तो राइस ब्रांड के टैंकर का रेट बाजारों में आप 110 रुपए देखकर जा सकते हैं। सोया ऑयल की कीमतें 122 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं, और सोया ड्यू का रेट उत्तर प्रदेश में 120 रुपए देखा जा रहा है। मस्टर्ड की जो कीमतें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में वो 132 हैं। एक्सप्लोर के टैंकर का रेट बाजारों में 131 रुपए चल रहा है, और पामोलिन की कीमतें बाजारों में इस वक्त 95 रुपए देखी जा रही हैं। लोकल मिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में टैंकर्स की कीमतों में भी आज बढ़त दर्ज करी गई है। ट्रेंड के बारे में बात करी जाए तो ट्रेंड अच्छा खासा पॉजिटिव नजर आ रहा है, और विदेशी बाजारों का सपोर्ट मिलने की वजह से घरेलू बाजार में आपको बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।